टेली प्राइम के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेल्स इनवॉइस पर डिक्लेरेशन कैसे सेट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डिक्लेरेशन क्या होता है। जब भी हम कस्टमर को कुछ सेल करते हैं तो सेल से संबंधित हमारी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। उन्हें हम सेल्स इनवॉइस पर प्रिंट कर देते हैं। बस इन्हीं टर्म्स और कंडीशंस को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब कस्टमर को बिल प्राप्त होता है तो वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर उनको फॉलो करता है। वैसे टैली ने इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन बाय डिफॉल्ट पहले से दी हुई है, तो चलिए किसी सेल्स बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। अब आप इस डिक्लेरेशन को चेंज कर सकते हैं और चाहें तो और भी टर्म्स और कंडीशंस जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पर जाएं, फिर वाउचर टाइप पर जाएं, अब सेल्स पर जाएं और एंटर प्रेस करें। ये देखिए, वाउचर टाइप ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। अब इसमें एंटर प्रेस करते हुए सेट ऑब्लिक ऑल्टर डिक्लेरेशन पर जाएं, इसे यस करके एंटर प्रेस करें। ये देखिए, यहाँ टैली द्वारा लिखा हुआ डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है। अब इसकी जगह आप जो डिक्लेरेशन देना चाहते हैं वो टाइप कर दें। हमने एमएस वर्ड में पहले से ही डिक्लेरेशन टाइप करके रखा है, तो हम उसे वहां से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कंट्रोल और वी कीज को प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं। अब इसे सेव कर लें। अब इस स्क्रीन को भी सेव कर लें। चलिए अब फिर से किसी सेल्स बिल का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें हमने जो डिक्लेरेशन सेट किया था वो इस इनवॉइस में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपनी जरूरत के अनुसार इनवॉइस पर डिक्लेरेशन सेट कर सकते हैं।